देश में जल्द लोकसभा चुनाव संपन्न होने वाले हैं। अब मात्र 11 दिन का समय शेष है, फिर 4 जून को चुनाव के नतीजे सभी के सामने आ जाएंगे। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। इस बीच सबसे ज़्यादा चर्चा प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी की हो रही है, जिस पर अब राजस्थान में भी सियासत गर्मा गई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक्स पर लिखा, चुनाव में मतदाताओं का मूड भांपने के बाद भाजपा पूरी तरह से हताश हो चुकी है। भाजपा ने अपने सभी नेताओं और समर्थकों को निर्देश दे दिया है कि जिस भाषा में भाजपा को प्रचंड बहुमत से जीत का दावा करते हैं उसी भाषा का इस्तेमाल करें और भाजपा के पक्ष में जनता में भ्रम पैदा करें। यही कारण है कि अचानक ही तमाम राजनीतिक विश्लेषक, अर्थशास्त्रियों और पत्रकारों समेत तमाम लोगों की भविष्यवाणी की बाढ़ आ गई है। दरअसल राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि मोदी सरकार सत्ता में वापसी करेगी। उनके मुताबिक देश में मोदी विरोध लहर देखने को नहीं मिल रही है। मोदी के नाम पर भाजपा चुनाव में जीतने जा रही है। प्रशांत किशोर के मुताबिक 400 पार और 370 का नारा बस भाजपा का चुनावी गेम है। विपक्ष इसको समझ नहीं पाया और बुरी तरह उलझ कर रह गया है। उनका कहना है एनडीए साल 2019 की तरह 330 के स्कोर पर या फिर उससे भी अच्छे नंबरों के साथ पास हो जाएगी। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि उत्तर और पश्चिम में करीब 325 लोकसभा सीटें हैं। ये क्षेत्र 2014 से भाजपा का गढ़ रहा है। मौजूदा लोकसभा चुनाव में भी पश्चिमी और उत्तर में भाजपा को कोई खास नुकसान होता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं पूर्व और दक्षिण में जहां करीब 225 सीटें हैं, वर्तमान में भाजपा के पास इन राज्यों में 50 से कम सीटें हैं। भले ही भाजपा का प्रदर्शन इन जगहों पर अच्छा नहीं रहा हो, लेकिन इस चुनाव में ओडिशा, तेलंगाना, बिहार, आंध्र प्रदेश, बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल जैसे दक्षिण पूर्वी राज्यों में भाजपा की सीटें घटने के बजाय पड़ेंगी। यहाँ पर पार्टी कुल सीटों में 15 से 20 सीटों का फायदा होते दिख रहा है। 4 जून को अब 11 दिन ही बचे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि यहाँ अब किसकी भविष्यवाणी सही साबित होती है।